हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इफ यू आर न्यू इन माय चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आज मैं दिखाने वाली हूँ अपना होम टाउन, स्पेशली मेरा ससुराल, जहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन है और हम लोग उसके लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अभी प्रिपरेशन चल रही है, हम लोग बलून्स लगा रहे हैं एंड दिस इज़ माय सन जो हेल्प कर रहा है भैया। ये है आज की सेलिब्रिटी। सो आफ्टर 17 ईयर हमारे घर में बिटिया का जन्म हुआ है और अभियुक्त के चाचा चाची को बेटी हुई है। सो ये सारा उसका चौक सेरेमनी के लिए सेलिब्रेशन प्लान किया गया है। इसमें छोटी सी पूजा होगी जहाँ पे जो फैमिली की सारी लेडीज हैं वो आएंगी। ताई ऊपर देखो। तो ये थी मेरी बड़ी सासुमा और अभी रंग लगने का कार्यक्रम हो रहा है, तो जब तक सारी लेडीज रंग नहीं लग जाएगा तब तक पूजा स्टार्ट नहीं होगी। उसके बाद हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज मी, जहाँ पे मुझे एक नेंग करना था और मेरी जो देवरानी है वो मुझे होली में ये पपड़ियाँ देंगी। सो हमारे यहाँ प्रसाद में यही चल रहा है, इसके बाद देवर जी की रस्म आएगी। सो ये है मेरे छोटे देवर जी और इनको गगरी उतारनी है और इसके बदले में उनको कुछ ना कुछ नेक मिलेगा। छोटा बेबी अरे खाना खे, पूरी सब्जी रखी। हम लोग बुंदेलखंड से हैं तो आपको वो बुंदेली एक्सेंट सुनने मिल सकता है, बिकॉज़ व्हेन वी आर इन फैमिली हम लोग बुंदेली में ही बात करते हैं। और ये सारे गिफ्ट्स हैं जो अभियुक्त एक्सप्लोर कर रहा है, ये बेबी के मामा के यहाँ से आए हैं। और ये रही बेबी, उसको झूले पे डाल दिया है तो झूला झुलाने की भी रस्म हो चुकी है। इसके बाद जो मेरी देवरानी की फैमिली है वो मेरे देवर और मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी इनका टीका करेंगे एंड उसके बाद हम लोग उनकी विदाई करेंगे। तो ये था पूरा फंक्शन। ओवरऑल मैंने शायद पहली बार अटेंड किया है बिकॉज़ मैं ज़्यादा जा नहीं पाती हूँ, तो इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।